इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहने वाली एक शिक्षिका विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हो गई, जिसमें 4 साल से शिक्षिका परेशान हो रही थी। अब जाकर उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी का कहना है कि फरियादी नेहा शर्मा की शिकायत पर आरोपी सिमरन वर्मा और अनुज शर्मा निवासी चंडीगढ़ पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना क्राइम ब्रांच में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि 2019 में एक जो फरियादी है जो नेहा शर्मा है, जो कि लसुड़िया की रहने वाली है, उसके द्वारा बताया गया, फेसबुक पर उसके द्वारा एड देखा गया था, जिसमें इन्फिनिटी ग्रोथ सॉल्यूशन जो कि चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो विदेश में जॉब लगवाने का काम करते हैं। इस पर से और उससे ये बोला गया, उसने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि तुम एजेंट के रूप में काम करो और लोगों को हम जॉब दिलवाएंगे। तो इसने फिर 10 से 12-15 लोगों जो फरियादी हैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया और उनको पैसा दिलवाया गया, वेरीफिकेशन के नाम पर, पासपोर्ट के नाम पर, लाइसेंसिंग फीस के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और इस तरह से लगभग 12 लाख रुपये इनसे दिलवाए गए। उसके बाद फिर जब उसने देखा, चंडीगढ़ में ऑफिस में भी जाके एक बार मिली थी इनसे, फिजिकली मिली थी, उसके बाद फिर काफ़ी समय हो गया, फिर उसके बाद जब वो गई तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फेसबुक से भी उपेश गायब हो गया, और उसके बाद जब वो ऑफिस गई तो ऑफिस भी वहाँ से खाली करके भाग गए। ये दोनों सिमरन और इकरुण करके दो आरोपी हैं जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उनकी तलाश जारी है। फिलहाल IPC सेक्शन 420-419 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला है।